वापसी हो गई है। जी हाँ, इस बात की जानकारी खुद कंगना ने ट्वीट कर दी है। कई यूजर्स ने इस बात को लेकर खुशी जताई है। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि इस बात को राष्ट्रवादियों के लिए बड़ी खबर है, वहीं कुछ हिंदू विरोधी और देश विरोधियों के लिए ये बड़ा झटका है। आपको बता दें, कंगना का ट्विटर अकाउंट 20 मई 2021 को बंद हो गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ मुद्दों पर, कुछ आपत्तिजनक मुद्दों पर टिप्पणियां की थी। कंगना ने ट्वीट करके कहा है कि सभी को हेलो, यहाँ वापस आना अच्छा है। इस बात को लेकर नेटिजंस ने काफी खुशी जताई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये देश विरोधी जो वामपंथी हैं, उनके लिए ये बड़ा झटका है। अब कंगना उनकी क्लास लगाएंगी, काफी मुद्दों पर बेबाकी से एक बार फिर बोलेंगी। इस बात को लेकर ट्विटर पर यूजर्स जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनके ट्वीट पर जबरदस्त लाइक्स आ रहे हैं और साथ ही ट्विटर पर कंगना रनौत ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ ही एक यूजर ने कंगना रनौत के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा है, उनकी फोटो ट्वीट करके उनके साथ कैप्शन में लिखा है कि हमें तो अभी और जलील होना है, इसमें बुराई क्या है, हम अपने देश के मुद्दों पर बोल रहे हैं। साथ ही कंगना ने अपनी आने वाली फिल्म एमरजेंसी के बारे में भी एक वीडियो ट्वीट करा है और इस बात की जानकारी दी है कि उनका एमरजेंसी फिल्म की शूटिंग अब समाप्त हो गई है। उन्होंने लिखा है कि मिलते हैं 20 अक्टूबर 2023 को, जब हमारी फिल्म एमरजेंसी रिलीज होगी। आपको बता दें, कंगना रनौत का अकाउंट 20 मई 2021 को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल उन्होंने बंगाल हिंसा पर हुई कुछ लड़ाइयों पर, कुछ रियॉट्स पर उन्होंने टिप्पणियां की थी, जमकर उन्होंने विवाद किए थे। इस बात को लेकर उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। तब से ही उनका अकाउंट बंद था, उनको अकाउंट नहीं मिला था, उनको ये आज़ादी नहीं थी कि वो ट्वीट कर सके। साथ ही आपको बता दें, कंगना रनौत अपनी बेबाकी और राष्ट्रीय बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं। ऐसे में उनका ट्विटर अकाउंट तो दे दिया गया है, मगर उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जा चुका है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ।